हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो आप सभी को स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ सुबह की टाइम हो रही है और ये यहाँ पर इस ब्लॉग में आपको दो दिन का ब्लॉग है मेरा, तो परसों मॉर्निंग का भी ब्लॉग है और कल मॉर्निंग का भी ब्लॉग है। दो दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है। देखिए, अगर कोई भी अगर हम ब्लॉग शूट करते हैं तो सुबह की ज़्यादा काम रहती है, दोपहर के टाइम में तो गर्मी इतनी बढ़ा देती है कि जो भी काम रहता है, हम सभी महिलाएं सभी उस वक्त सुबह के सोचते हैं कि जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए, बस दोपहर के टाइम में गर्मी में ना रहूं, ना ही किचन में, ना ही घर की सफाई करूं। तो अभी फ़िलहाल सुबह के टाइम में जो भी काम रहती है सारा ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा किचन वगैरह था, क्लीन करना था तो रखा हुआ था ब्लॉग, तो मैंने सोचा चलिए अपलोड कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो साथ में आज कपड़े भी धो लूँगी, ब्लैंकेट वगैरह थोड़ा गंदा हो चुका है। तो मैं रोज़ सोच रही थी कि धोने से आसकत नहीं धोती थी, लेकिन अभी तो तुरंत कपड़े सूख जाता है फटाफट करके, एक दिन में कपड़े ब्लैंकेट जो भी धो लेकिन एक दिन में सूख ही जाता है। तो यहाँ पर हमने सारा बेडशीट जो कम्बल थी वो भी मैं लगे हाथ साफ सरफ में डाल के अच्छे से धो लूँगी। अरे कम्बल, बच्चे लोग अभी ऐसे चालू होता है तो कभी कभी मतलब ओढ़ लेते हैं, ठंडी लगता है उन लोग को, तो इसलिए हमने इसको धो के नहीं रखी है। और अरे ये काफ़ी पतला है ब्लैंकेट, ज़्यादा मोटा नहीं है कि पतला वाला ब्लैंकेट है। और ये परी के ही लिए सब आया था, जब भी वो छोटी थी तभी परी का पापा उसका मतलब बहुत स्पेशल सब चीज़ रहता था बचपन में। अभी मतलब उसको अच्छा सा कंफर्टेबल नींद आ जाए, उसको अच्छा सा मतलब ये करे, उसको मतलब थोड़ा सा मतलब कोई भी चीज़ का परेशानी नहीं होने देते थे वो। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है, हर चीज़ समय बदल जाता है इंसान को, तो मतलब समय बदलता है लेकिन भगवान देता है जो भी अच्छे के लिए ही देता है। यहाँ पर हमने दूसरी गर्म कर दी है, बोला अपने गोलू को मैंने दे दी है चौकू सर दूध, और आप लोग को हाई कर रही है परी, एक्सरसाइज कर रही है मेरी। तो हमने यहाँ पर जो मॉर्निंग का पूजा होती है डेली वो मैं कर लेती हूँ, भी हो जाते हैं धोने के लिए, तो मैं सोची चलिए साथ ही साथ उठा भी लूँगी और गलेरी भी साथ में धो देती हूँ और सारा कपड़ा। देखिए, पहले मैं सूर्यदेव का बिल्कुल भी पूजा नहीं करती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि सूर्यदेव को जल क्यों देते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके अंदर अगर समझ आ जाए और आपके अंदर जानकारी हो जाए वो चीज़ करना ही चाहिए। और आपको अगर डेली अपना रूटीन में अगर आप इस तरीके का पूजा करेंगे ना तो आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको करने का बहुत मन करने लगेगा कि मेरा एक चीज़ मिस हो गया है, पूजा नहीं की है। तो मेरे तरफ भी इसी तरह मेरे को भी इसी तरह सुबह के टाइम जब तक मैं पूजा ना करूँ, सूर्यदेव को जल ना दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग है कल का। तो यहाँ पर हमने जो बेडरूम का क्लीनिंग होती है वो मैं सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये तो फिक्स है फ्रेंड्स कि मैं डेली मतलब मॉर्निंग का जो काम रहता है, और आप जानते हैं कि हम अकेले हैं तो कभी भी काम करो मेरे को ही करना पड़ेगा। इसलिए हमने सुबह के टाइम मुझे गर्मी से बचने के लिए मैं सुबह का काम झाड़ू पोछा करके कंप्लीट कर लेती हूँ, बाकी जो भी है उसके बाद मैं करती रहती हूँ घर की जो भी एक्स्ट्रा काम रहती है वो। लेकिन जो काम रहती है सुबह की झाड़ू पोछा, ये तो मॉर्निंग का टाइम ही करती हूँ मैं, तब उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। तो यहाँ पर पूरे जो घर की जो मतलब झाड़ू होती है मॉर्निंग का टाइम, रात को ऐसे भी हम लोग नीचे सोते हैं तो रात के टाइम मैं हमेशा क्लीन करके ही सोती हूँ, फिर भी मैंने सुबह एक बार झाड़ू लगाती हूँ, पूरे घर में मिट्टी धूला आ ही जाता है। तो झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा ली है, उसके बाद मैंने पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। तो एक बार पोछा लग जाता है तो एक अच्छे से मन भी फ्रेश हो जाता है और नहा धो के निकलो तो एक अच्छा भी लगता है। तो हमने यहाँ पर अभी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं की थी, मैं डायरेक्ट काम पर लग गई थी, तो मैंने अभी सारा काम ख़त्म करने के बाद एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। Oh, oh, oh.
तो फ्रेंड्स मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई हूँ बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो पोहा में आज डाल रही हूँ सीम के दाना। पता नहीं बच्चों खाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो रखा था सामने, मैं सोची थोड़ा चलिए बना दे डाल के थोड़ा बनाती हूँ। बहुत जन को मैं देखती हूँ कि मूँगफली डालते हैं, मटर डालते हैं और मैं डालती हूँ तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो आज ट्राई कर रही हूँ कि देखते हैं, आदत डालती हूँ उन लोग को, थोड़ा सा सादा सादा हो जाता है पोहा। इस तरीके से बनाएंगे तो किसी खाते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई नहीं खाया था फ्रेंड्स। सारा दाना निकाल निकाल के फेंक दिया था वो लोग। तो नेक्स्ट बार मैं कभी नहीं डाल बनाऊँगी क्योंकि वेस्ट हो जाएगा फिर। तो चलिए मैं पोहा बना दूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी नाश्ता। मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की हूँ तो आज नाश्ते में पोहा ही बनेगा। तो मैंने और आप लोग के साथ ना कोई ब्लॉग नहीं शूट करी, बस मेरा एक्सरसाइज तक ही आज ब्लॉग रहेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मैंने कल को शूट नहीं कर पाई इसके वजह से। तो नाश्ता वगैरह हो गई थी, बच्चों को दे दी थी और मैं यहाँ पर थोड़ा सा जीरा पानी पी रही हूँ। और अभी बोलते हैं ना फ्रेंड्स 32 बार क्या होता है, मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आता है। 32 बार हर ब्लॉग में देखती हूँ तो मैं भी 32 बार हर चीज़ कर रही हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। और मेरा वेट काफ़ी अच्छा से वेट लॉस हो रहा है। और मैंने अभी खाने में ना थोड़ा सा नमक, तेल, मसाले बिल्कुल भी कम कर दी है। बाहर की चीज़ एकदम खाना कंट्रोल कर दी है। मैं बाहर का चीज़ कुछ भी नहीं खा रही हूँ, भरपूर पानी पी रही हूँ। तो यही सब जो छोटी छोटी चीज़ होती है, अगर हम अपने रूटीन में ध्यान दें तो हमारे वेट, जिम, एक्सरसाइज, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर बैठे काफ़ी अच्छा वेट लॉस कम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा खाना पीना में, थोड़ा सा आप पानी में पीने में चेंजेस ले सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि वेट मेरा कम हो चुका है। पहले मेरा 75 था, अभी 70 हो चुका है। देखते हैं, वेट मुझे बहुत कम करना है, 60 तक मुझे लेके आना है अपने आप को। तो देखते हैं कहाँ तक कर पाती हूँ। बस आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। और कैसे करें, मुझे भी मतलब फिट होना है। और बोलते हैं मोटा होना घर में बीमारी बुलाना बोलते हैं ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, नहा कर जाती हूँ मैं योगा वोगा करके नहाने के लिए।